है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीम जियो टंच टीवी। दोस्तों, बरसात का मौसम आ चुका है और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये घास की हरियाली। ये मेरे घर तरफ है और मैं आज लेकर आया हूँ अपने घर तरफ अपने बकरे और बकरियों को लेकर चराने के लिए। और यदि आप लोग अभी तक हमारा चैनल समीम जियो टंच टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। और इस चैनल से बहुत से लोग मेरे चैनल से वीडियो से बहुत ही फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, यदि आप भी घर में बकरी पालन करने के लिए ऐसे बकरी ब्लैक बंगाल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको हमारा नंबर चाहिए तो आपको नोट भी कर सकते हैं। आपके घर तरफ इस तरह का हरा चारा, कितना बरसात के दिनों में ऐसा हरा चारा खेतों में खलिहानों में हो जाती दोस्तों, यदि आपके घर पास ऐसा है तो आप लोग समय देकर लगभग एक घंटा इस तरह से बकरियों को चराए, इस चारे खिलाए, जिससे बकरियों का जो वज़न होता है वो बरसात के दिनों में कम नहीं होता। आप लोग पता है यदि आप लोग इस तरह के हरा चारे नहीं खिलाइएगा तो बकरियों का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कमज़ोर हो जाती है बकरियाँ बरसात के दिनों पर। तो दोस्तों, ये हमारा मेमे है और मेमे इधर, तो मैं इसे लेकर आया हूँ। और दो जो बकरी थे वो भाग गए, कुत्ते ने दौड़ा दिया तो वो घर चले गए, और ये बच्चा है तो इसे मैं पकड़ लिया हूँ। तो मैं ये बताने वाला था इस वीडियो के अंदर दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो हमारा चैनल होता है वो विलेज मार्केट गोट फार्मिंग के बारे में होता है और बहुत से लोग गोट फार्मिंग से फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। यदि आप लोग बकरी पालन करना चाहते हैं दोस्तों, तो बकरी पालन पर 10 बकरियों से स्टार्ट करें और कम से ही स्टार्ट करें। अभी बरसात का महीना चल रहा है तो बरसात के महीने में कम ही करना चाहिए, क्योंकि बरसात दिनों में आमे में तो बरसात के दिनों पर कम ही बकरी स्टार्ट करें। और ये जो बिजनेस है बकरी पालन, बहुत ही शानदार बिजनेस है। और लोग इस बहुत से नेपियर घास जो लगाते हैं वो भी सही है कब बरसात दिनों पर, लेकिन ये जो हरा चारा होता है ये बहुत ही टेस्टी और बकरियों का वेट करने के लिए बहुत ही शानदार है। लोग बहुत से लोग यहाँ से काट काट कर लेकर जाते हैं, अपने घर में बकरियों को पालते हैं तो यहाँ से भी लेकर जाते हैं दोस्तों।